मुतमिन है शिकस्तों से हम उदास नहीं ये हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं क्या बात है टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स नीरू वैंकूवर पहुंचे मतलब उनके पास कुछ नहीं था नथिंग मॉम ऑलरेडी रहती थी वो हाउसकीपिंग का काम करते थे व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विद मी एंड यू प्राउड ऑफ देम सच हार्ड वर्किंग पीपल हां

जिथे जी करद तुर जाईद साडा तो कोई टिका नहीं जा मुड़ना नहीं हफ्ता हफ्ता जा कई महीने जाना नहीं नमस्ते मेरा नाम सौरभ है ये ललन टॉप अड्डा है बहुत मौज आने वाली है दो जावड़ किस्म के लोग आए हैं एक जो मोहतरमा आई हैं मैं चूँकि मुझे ध्यान आ गया है कि ये शायर फिल्म का प्रमोशन है इसलिए मुझे थोड़ा सा जबान में नफासत लानी होगी बट डोंट वरी आई वॉन्ट टेरराइज यू तो ये जो तो छोटी थी तो शीशे के सामने खड़े होकर बहुत सारी एक्टिंग करती थी ऐसा मेरी रिसर्च टीम ने बताया है फिर एक ब्यूटी कंटेस्ट हो रहा था उसमें गई इनको लगा कि ये मेरा टिकट टू बॉलीवुड है पर उसमें रह गई ये दूसरे नंबर पर फिर इन्हने बाजार में जाके बहुत सारी शॉपिंग की लेकिन शॉपिंग में कहीं भी किसी भी शेल्फ में करेज नहीं बिक रहा था तो ये सारी शॉपिंग के बाद वापस आई और इन्हें लगा कि करेज तो खुद से ही जुटाना पड़ेगा जो कि इन्होंने जुटाया और अपने पापा के पास गई मुझे नहीं पता इन्होंने इन्हें वो कहानी सुनाई कि नहीं कि एक दिन आप भी तो अपने सपने पूरे करने के लिए पंजाब से कैनेडा आए थे अब मुझे भी अपने सपने पूरे करने के लिए कैनेडा से मुंबई जाना है चली गई पर फ़िल्म की स्क्रिप्ट तो थी नहीं कि सब कुछ स्मूथ ड्राइव हो बहुत अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंस हुए बताना नहीं होता था कि कैनेडा से आए ताकि लोग जज ना करें अपने यहाँ क्या है कि एक जज तो वो होते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं पर वो बहुत गिने चुने लोग होते हैं कानून के जानकार पर बाकी चलते फिरते जज हम सब लोग होते हैं शक्ल देख के डिक्शन सुन के और तमाम तरीक़ों से जज करने लगते हैं बिना एक्चुअल में जाने तो ऐसे इनके खूब उबड़ खाबड़ से हालात रहे पर ये डटी रहीं ये कीवर्ड है कि एकदम पाँव टिका के बने रहो टीवी सीरियल्स में काम किया फ़िल्मों में काम किया और उसके बाद जो मशहूरियत हुई तो आलम ये है कि अगर ये किसी फिल्म में हो तो उसके सक्सेसफुल होने की लगभग गारंटी हो जाती है थोड़ा बहुत तो पीर मुर्शीदों के लिए छोड़ देना चाहिए और जो दूसरे मेहमान हैं हमारे बड़े सुरीले हैं जीवन में भी संगीत में भी ट्रांसपेरेंट से हैं जैसे हैं वैसे दिख जाते हैं ज़्यादा जतन नहीं करते हैं शायद इसीलिए फिल्में करने से बचते हैं क्योंकि उसमें आपको अलग अलग मुखौटे पहनने होते हैं तो ये दो लोग आए हैं कैमरा अभी चालू हुआ है लेकिन बातें हम लोग पिछले पंद्रह बीस मिनट से कर रहे हैं स्टाइलिंग पे बात हो गई है कड़े की तारीफ हो गई है नारियल पानी भी थोड़ा थोड़ा सड़क सड़क के हम लोगों ने पी लिया है अब उन बातों को कैमरे के सामने आगे बढ़ाते हैं संदर्भ ये है कि एक फिल्म आ रही है शायर नाम है फिल्म का जिसको हिंदुस्तान के बहुत मशहूर प्रोडक्शन हाउस नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है उन्नीस अप्रैल को फिल्म रिलीज हो रही है लीड रोल में है सतेंद्र सरताज और नीरू बाजवा बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो प्रोड्यूसर नीरू बाजवा एक्ट्रेस नीरू बाजवा का चेक कैसे काटती है नहीं काटती <laughs> वो तो रिलीज के बाद ही मिलेगा बाकी सब कुछ रख लेते हैं अच्छा हाँ। वो अपना तो तो। नहीं जो बच जाता है वो सारा <laughs> बहुत बच गया है अभी नाइन के बाद ही पता चलेगा क्या बच्चा क्या नहीं सो यू अप्रोच हिम कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ आप आ जाओ हाँ मैंने इनको मतलब आई ऑलवेज वॉन टू वर्क विथ हिम अ बिग फैन ऑफ हिज एंड हमेशा ऐसा लगता था कि मतलब आई मैं मैनेज मैनेजर कि इनकी इतनी खूबसूरत वीडियोज़ होते हैं ये मुझे कभी क्यों नहीं कास्ट करते एंड आई ऑलवेज़ यूज में वीडियोज़ में क्योंकि आई अ ह्यूज फैन एंड ही यूज़ टू शूट दम वेरी लाविशली ऑल्सो और ही ऑलवेज टू टेक यू नो एक्ट्रेस फ्रॉम बॉम्बे एंड लाइक यूर अपना पंजाबी बन मतलब ही शु टेक वन पंजाबी ग्रीडियो तो वो हुआ नहीं देन वी खेम दिस फिल्म कलीजोटा एंड द होल टीम सेट के बस नी सताज जी को साइन करना है सरताजी को साइन करना है नो बड़ी डू दिस रोल सरदारजी सरताजीताज जी सो I called him and I said, "Sartaj, very nervously, Sartaj Ji, a film hai, Kali Jota. You call him Sartaj Ji? Yes, I do. I call him Sartaj Ji. That's how much respect I have for him. And do you call her Niruji? Madam? Madam. Okay. <laughs> <Madam. laughs> <laughs> so now onwards, it's Sartaj Ji oh, and Madam. No, no, please. You don't have to. <laughs> so he very graciously said, "Yes, he loved the film, and uh, obviously." Uh, यू नो एवरीबडी लव्ड आर जोड़ी और फिल्म ने बहुत पैसे कमाए तो हमने कहा कि एक और फिल्म बनाते हैं ऐसे बोलना होता है कैमरे पे कि फिल्म ने बहुत पैसे कमाए ओके एकदम आईटी वाले तुरंत नोट अच्छा बहुत कम आईटी no, 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 वाले जो नहीं हम स्केड बाय पीपल इन वीडियो एंटरटेनमेंट एक्चुअली बेसिकली फ्रॉम कनाडा सो नो वन कैन डू एनीथिंग नहीं नहीं यहां पे भी टैक्सेस भरते हैं प्लीज सब कुछ <laughs> Sab kuch legal white. All good. <laughs> all good. White people. Yes, white collar white collar people. <laughs> please. Oh my. Yeah. So yes, and this is the story. And we knew um Kali Jota

गंगानगर एंड बाकी दस दो पंजाबी एटी फाइव परसेंट गंगानगर दैन ग गंगा राजस्थान, राजस्थान हां जी तो वो ओल्ड पंजाब का हमने 70s की ये पीरियड फिल्म है तो जब पंजाबी पोएट्री का ग्लोरियस एंड गोल्डन टाइम था वो तो वो दौर है तो इसलिए उस उस तरह के घर गांव अब पंजाब में थोड़े क्योंकि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है सबके ऊपर फुटबॉल और जहाज़ बना दिए जहाज़ बना दिए गए हैं तो इसलिए वो इलाक़ा हमारी एरिया की जिन्होंने की थी पहले मुझे मेरी एक्चुअली ये ख्वाहिश थी कि हमारा एक फार्म है हिमाचल के बॉर्डर पे उस ऑलमोस्ट पंजाब है वो थोड़ा सा हिमाचल लगता है लेकिन वो किसी वाकिफ का एरिया है कहाँ पे नंगल डैम जहाँ पे है हाँ। तो मैं चाहता था कि वहाँ पे सतलुज नीला ऐसे बहता है इतनी डेंस हरियाली है कि शायर है तो वहाँ वादियों में करते हैं तो प्रड्यूसर यू आर लेकिन डायरेक्टर गए रेखी के लिए उनको लगा कि बहुत शॉर्ट बहुत लिमिटेड हैं एरिया मतलब उसमें डेप्थ कम मिल रही है कभी यहाँ माउंटेन आ गई कभी यहाँ पुल आ गया ये पता नहीं वट एवर तो उन्होंने वो चूज़ किया उसके अलावा जो थोड़े थोड़े एक चंडीगढ़ में है थोड़ा बहुत मेरी पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस मईलाउ आप भी गए थे मेरे ख्याल से स्टूसी यस तो मैंने पूछा विकास सर से मैं कहा ये पढ़े हैं वहाँ क्या है ये अभी मैंने देखा उनकी पोस्ट वो कहां, हो गए थे नहीं कहते कि वो रहे हैं मेरे ख्याल आप चंडीगढ़ या लुधियाना मैं आ...

<laughs> ये मेरी असलियत है जो मैं कई बार बता चुकी हूँ ऑन माई सेल्फ आई आई बिलीव आल बट स्कूल में कभी मन नहीं था आई नई इन स्कूल बस यही सपने देख रही थी कि माधुरी दीक्षित नहीं नीरू बाजवा स्क्रीन पे माधुरी <laughs> दीक्षित को क्यों देखो आई रिस्पेक्ट ट्राइव लर्न लॉट फ्रॉम हर बट वो ही विजुलाइज करती थी कि मैं वहाँ स्क्रीन पे एक्टिंग कर रही हूँ गाने गा रही हूँ शिफॉन साड़ी पहन के हसुए पे हूँ <laughs> ये किया uh, हाँ, वी पहन के? कहा? सब कर लिया इन <laughs> ऑल अच्छा एक बात बताओ आप ठंड तो बहुत लगती होगी बहुत लगती है मतलब <laughs> शुक्रिया यश चोपड़ा जी बट आई मीन दिस इज इनह्यूमन है कि हीरो तो स्वेटर ब्लेजर और वो एक वाइट और रेड शिफोन ऐसे कप कपी होती होगी? हाँ, मैं अभी आ, I did a song with जी जी, हमने में शूट किया और, आ, तो, अच्छा लगती लगती है। 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 तो चलिए शूट है जब चोपड़ा सर को ऑर्डर होगा जब शादियाँ होती हैं वहाँ तो कोई ऑर्डर नहीं है तभी वो तो वो दो चार लगा के फिर करते ना शादियों में तब क्या पता <laughs> She is oh So I know I'm talking about the I know. That's okay. And But if, he, he if, felt so happy. If need it's be. जिसको <laughs> <laughs> जैसे सूट करे. <laughs> सूट पहनना है या सूट करे जो भी करे ऑल दैट मैरिज जो दिखता है वो बस खूबसूरत दिखे <laughs> तो आप लोग तो बहुत डायरेक्टर के लिए दिक्कतें करते हो गे?

वैन यू आइडेंटीफाई थोड़ा सा वो प्रोसेस बताइए वेल uh, well, हमारे लिए तो आई एम ब्लेस्ड क्योंकि हमारी एक टीम है हुई वेरी यंग राइटर्स जो कि नए नए आइडियाज़ लेके रोज ही आते हैं एंड um, जो भी पंजाब में बन रहा था या बन रहा है यू you नो know, उसके उससे हट के स्क्रिप्ट्स uh, लेके आते हैं और आइडियाज़ ले आते हैं सो वेर लकी कि हमने जो भी किया है इट्स नॉट द रेगुलर पंजाबी फिल्म दैट व डूंग सो

फर्स्ट वो राइटर ने, राइटर ने, जगदीप hmm. है उसका नाम तो बहुत बहुत उम्दा सर वो मतलब शायर मैं आपसे भी पूछूं कोई भी दुनिया हिंदुस्तान में अगर शायर लफ्ज़ आता है तो तस्वुर में क्या आता है देवदासिया सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन चिलमिन होगी मौसीकी होगी शबाब होगा शराब होगी तकिए होंगे बैठे होंगे लेकिन दिस फिल्म इज़ एंटायरली मतलब इट इज़ सो रस्टिक इट्स सो ओरिजिनल सो रिलेटेबल सो रॉ तो आपने ट्रेलर शायद नहीं देखा <coughs> जरूर देखिएगा मुझे नहीं पता वैसे पंजाबी आपको समझ आती ही होगी बिकॉज ऑफ दै चंडीगढ़ कनेक्शन तो विकास सर को मैंने बोला है सेवनटीन को प्रीमियर है आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहते नहीं तो आप उनके साथ जरूर आइएगा चंडीगढ़ उस दिन हम लोग प्रीमियर पे बैठेंगे उसके बाद गेड़ी भी मार एम सी एम जामा पर I आप will लोग drive, तो, yeah. you will drive. <laughs> पर आप लोग तो बहुत जाते होंगे पंजाब वगैरह में कहां गिड़िया मार पाते होंगे नहीं नहीं hmm. कुछ वो क्या और अब लेके जाएंगे मतलब इतना टेंशन अट्रैक्ट करेंगे तब थोड़ा क्या कहते हैं उसको जब भूलिया बदलते हो अब चलो ये लगा लो इन दिकाइज मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से हम लोग जितनी ज़्यादा पंजाबी जबान में बात कर सकें पंजाबी उर्दू अच्छा में वो अच्छा है हाँ मतलब अंग्रेज़ी के मुकाबले हम उसको प्रेफर कर सकते हैं इट्स अ रिक्वेस्ट इफ़ यू आर कम्फर्टेबल है ना तो उसमें आ, मसला ये रहेगा कि कई लोगों को समझ में नहीं आएगी तो विल गो इन गूगल पर इसी बहाने जबान के चार नए शब्द शामिल हो जाएंगे हमारी गुफ्तु में हाँ जी हाँ जी ठीक बातमईन है शिकस्तों से हम उदास नहीं ये हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं क्या बात है क्या जिसने भी? देखा हो एक जलजला निगाहों से जिसने अफसाने चुने हो बहकती बहकतीहों से कैसे कहिए कि उसे दर्द का एहसास नहीं मुतमइन है शिकस्तों से हम उदास नहीं ये हुनर भी तो वैसे हर किसी के पास नहीं ये हमारा शेर है सर मेरा लिखा होगा इसी की रील कटती है, है? हाँ लिटरली ऐसे ही होगा अब ये इतना एक काट के रील बनेगी रील बनेगी <laughs> देखो इनको भी पता है रील की अहमियत हाँ। <laughs> रोज इनको उठा के मैं इनको बोलती हूँ रील बनाना है है रील रील बनाना है। तब जाके शाम को एक रील बनती है। मैं मैं बिना आ, पेमेंट लिए नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ ऑन कैमरा दैट प्लीज आप खूब सारी रील्स बनाइए फिल्म के प्रमोशन के लिए एंड हाँ प्रोड्यूसर की लाइफ थोड़ी सी इजी करिए अभी इंडिया गेट जाके बना ली मैंने रील बना यहाँ आने से पहले हाँ इनको बताया भी सर मैं अच्छा वैसे तो पता नहीं बोलने वाली बात बोली तो आप हाँ ठीक है यहाँ आना था हमने चलिए थोड़ा सा वो डिले हुआ इंडिया गेट गए तो जो भी इनका अदायगी है क्या अदायगी थोड़ा करके बताइए अरे अब उठ के जलना पड़ेगा ना कोई बात नहीं कैमरा पीछे मतलब इतनी अदा से चलती हैं तो रील एक टेक में हो जाती है

नहीं <laughs> आ, मैं थोड़ा सा डिसग्री करता हूँ जब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि विमेन कैन डू दिस उसमें कई बार क्या होता है कि उनको चने की झाड़ू चढ़ा रहे होते हैं कि नीरू तू करती रहे करती रहे और मैंने बहुत टाइम मल्टीटास्किंग की है नीरू इन लॉन्ग रन डजेंट हेल्प सो इन द लॉन्ग रन आप जब जिस वक्त जो कर रहे हो वही करो मतलब फिर आप फिलोसफर्स को पढ़ो पोइट को पढ़ो Uh, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करो सब यही बोलते हैं हाँ। है, हमने तो यहाँ इसीलिए इंटरनेट लग, ही गायब दिया मैं अगली बात भी बताता हूँ क्योंकि अब खुल गए हैं ये यह यहां इसीलिए नहीं आ रही थी कि आपने ऐसी बातें करनी है मैं क्या बोलूंगी वहां इनका एक अलग डिमीनर डि है इनका जो आई डोर दैट

आ, इस कड़े के बारे में तो मैं जब बॉम्बे में थी तो ऑब्वियसली uh, इतने पैसे नहीं थे पर वहाँ बॉम्बे के जो यू uh, नो you know, ये ऐसे जब आप टेंथ में थे ना पता नहीं उस समय ऐसे लिखना हो तो नहीं इट्स अ लॉन्ग फॉर्म आंसर तो जब आप बॉम्बे में थे वाली जो कहानी है वो वहाँ से शुरू होगी कि जब मैंने पापा को कन्विंस किया कि मुझे बॉम्बे जाना है hmm. फिर उसमें एक रास्ते में पड़ाव आएगा कि जब मैं देवानंद की फिल्म में गई या उसके पहले जब ये ममता कुलकर्णी वाली सॉरी संजय कपूर वाली फिल्म शूट हो रही थी तो मैं बैकग्राउंड में डांस कर रही थी फिर मैंने ये वाला टी सीरियल किया फिर यहाँ पे कास्टिंग काउच और ख़राब एक्सपीरियंस हुए पर सब ऐसे करके बताओ क्योंकि ये कड़ा सिर्फ कड़ा रही आपको क्या लगा मैं यू आर प्रेडी यू आर इंटेलिजेंट यू आर स्मार्ट यू आर प्रोड्यूसर यू आर वंडरफुल एक्ट्रेस थैंक यू ठीक है तो मैं वो नहीं करूँगा कि मैं सतेंद्र सरताज से पूछूंगा कि तो थोड़ा सा कुछ सूफियाना कलाम के बारे में बताइए बाबा बुल्ले शाह और आपसे अरे वॉट अल ड्रेस बिकॉज़ योर ड्रेस इज बट नॉट जस्ट दैट तो वो कड़े तक आने की कहानी ओके सो okay, so, इस बार ना मेरे को सॉरी एक शिकायत खत्म होनी चाहिए आगा। कि आगा। मैं तो बाद में आ जाऊंगा मैं और विकास सर इकट्ठे इकट्ठे आएंगे फिर ओके तो मैं जब छोटी थी मैं सबसे बड़ी हूँ फैमिली में चार भाई आ, तीन बहनें एक सबसे छोटा भाई है और आ, मेरे फादर फादर इंडिया में डॉक्टर थे कनाडा आए तो वो मेडिकल बठिंडे पुचू मंडी पुचू मंडी मतलब बठिंडे के नेड़े यहाँ उसके आसपास है व्हाट इज इट कॉल्ड पुच्चो मंडी पुच्चो मंडी और उन्होंने बड़ा प्यारा नाम है हां स्टडी किया तो so, पुच्चो का मतलब क्या होता है पुच्चो पुच्चो नहीं पुच्चो पब्बा प पुच्चो वो कभी नहीं आ पाएगा <laughs> आप गए हो पुच्चो मंडी हां गई हूं आई लव इट मैं उनके क्लिनिक पे जाती थी जब पेशेंट्स आते थे तो दस बीस रुपए देते थे ताया जी को जस्ट इट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते तो जो भी देते थे ताया जी यूज्ड टू टेक तो मेनू दे देते दे होते दे थी दे दे तो मैं वहाँ पे बैठ के हिसाब किताब करती थी आ, तो पुच मंडी हाँ बहुत बार गई हूँ हूं आई थिंक आप मुझे इमोशनल करेंगे आज विच आई डोंट वांट टू बी अ जॉब मैन ओके तो वो पहुँच uh, फादर साहब पहुँच के कनाडा मॉम ऑलरेडी वहां पे तो आपकी पैदाइश कहाँ की है कनाडा वैंकूवर वैंकूवर की तो मैं जब पैदा हुई डैड मतलब ही महीने बाद ही आए क्योंकि मॉम पहले थी तो ना, नाम भी बताते जाइए uh, मेरे फादर का uh, ज, सबका नाम लेके बात करनी है ना वो भी तो अपने ग्रुप में भेजेंगे कि फाइनली ये फिल्म कर रही है well, फादर तो है साहब तो but with I, मतलब, I mm -hmm. तो नहीं मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ सरदार जसवंत सिंह बाजवा पहुंच wow. के वैंकूवर <laughs> मम्मी का नाम सुरिंदर कौर बाजा दैट्स द मोस्ट ह्यूमन बॉडी मैंने ना ये बातें किसी के साथ नहीं की एक्चुअली हम लोग भी तो पहली बार ही बैठे बातें करने के लिए ठीक <laughs> है हम लोग ना बाद में आखिरी पांच मिनट में वो वाले सवाल कर लेंगे कैसा महसूस हुआ आपको सतेंद्र <laughs> के साथ काम करके अगला कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है आपका नहीं वो बातें जरूरी नहीं yes. है टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स नीरू ओके सो दोनों uh, कैसे वो दोनों कैसे मिले थे अरेंज मैरिज ओके दोनों की अरेंज मैरिज थी और uh, पर अरेंज मैरिज के भी कई तरीके होते हैं ना उन्होंने ज्यादा बताया नहीं एक्चुअली uh, कि ना? कैसे आई डेट uh, मतलब उनकी एक सहेली थी वो कई जब डैडी नाल गुस्से हों शीश शी से मैं बया करा करा लें तो वाला होंगे पता नहीं कोई आर्मी कोई जनरल कोई सी से माँ मैं गल्ह ना कर यू नो बट सो माए एनी उनका रिश्ता हुआ एंड माई फादर उज एक्चुअली क्वाइट रोमांटिक तो उनको लव uh, लैटर भेजते थे मानसा का गाना तेरे शहर के मैं भूल गई क्या है तेरे, तेरे शहर वाली तेरे हाँ सजना भी सजनावे तेरे शहर वाली सानू जाए जाए क्या गाना है थोड़ा बता दीजिए भाई साहब हाँ बता दो <laughs> सजनावी, सजनावी, तेरे शहर वाली सानू देखिए ये, किन्नी? ये उन, हम लोग बेसुरे हैं हाँ मैं नहीं मैं हम दोनों तो हम लोग सुनने में अच्छे हैं है ना हाँ तो ये कौन सा गाना है मानसाहब ये साहब का है सर गाना उसमें मतलब जब कोई किसी के शहर जाता है चाहे वो ना मिले तो उसके शहर की दोपहर जिसको अच्छी लगती ये उस पे है पे वो ना मिले पर शहर की दोपहर भी सच ब्यूटीफुल थॉट आपको कौन से शहर की दोपहर अच्छी लगती है सिटी एंड एंड नून टाइम होम नाउ वैंकूवर जहाँ मेरे बच्चे हैं मेरी बेटियाँ हैं yeah. कितनी बेटियाँ हैं तीन क्या नाम है अनाया आलिया अखीरा अनाया आलिया अखीरा नाइस तो आपके फादर साहब मान साहब का गाना लिख रहे थे हाँ तो मतलब ही वाज क्वाइट रोमांटिक तो ये सब चीज़ें वो करते थे क्या सब चीज़ें ये चिट्ठियाँ लिखना मतलब दे नॉट वेरी ओपन मतलब मुझे इतना ही बताया गया कि ये गाना और वो भी उनके मतलब जाने के बाद माम मतलब थोड़े इमोशनल हो गए थे एक दिन ऊँशी से यू नो मैं हमेशा बेसिकली लड़ती रही उन्होंने नाल बट वो इन्हें बुरे भी नहीं थे थोड़े रोमांटिक भी सी एंड बट आई थिंक जब वो वैंकूवर पहुँचे मतलब उनके पास कुछ नहीं था नथिंग एंड दोनों वो वेरी मतलब जो पैम्पर्ड बच्चे होते हैं ना सबसे छोटे अपने फैमिली के पर जब वो वैंकूवर पहुँचे तो उनके पास मतलब फाइनेंशली कुछ नहीं था कोई पैसे नहीं थे और जो हर एक हर पंजाबी बोलता है ना मैं जब कनाडा आया तो मेरे जेब में सिर्फ सात डॉलर्स थे एंड दो हार्ड वर्किंग सो

तो हार्ड um, huh? तो वर्किंग हो गया मैं हम हमेशा उनको वहाँ ले कर जाते हैं उसी होटल में जब भी स्टे केशन होता है कौन सा होटल है ये इट्स वेस्टर्न बेश और वहाँ वेंकूवर में हाँ सो वी टेक हर देयर एंड लाइक क्रेजी Oh my goodness. <laughs> I can't do this. Really? Oh, I've never spoken about all this. Um, so anyways, so we were housekeeping ka kaam karte the. And um, so I, then I was born. और uh, मतलब my my thoughts and my memories यही है कि मतलब हमेशा उनको struggle करते हुए देखा mm. दोनों को एंड ऑलवेज डैड क्या काम करते थे डैड डैड ने पहले जो बेरीज होती हैं फार्म पे जाके वो ब्लू बेरीज तोड़े दैन गैस स्टेशन में वो गैस पंप करना देन हमारे यहाँ जो पेट्रोल पंप होते हैं उसको अमेरिका और कनाडा में गैस स्टेशन तो पेट्रोल पंप में वो गैस भरते थे और फिर टैक्सी चलाना शुरू कर दिया देन um, मतलब जब पैसे जोड़ जोड़े इन्होंने तो फिर एक एक टैक्सी खरीद ली दो टैक्सी uh, खरीद ली एंड um, मतलब दिन रात वो काम करते थे दिन रात आई रिमेंबर और मॉम भी फिर मॉम नर्सिंग होम में चले गए उन्होंने um, मतलब uh, एक ओल्ड एज केयर होम में उन्होंने um, uh, काम किया एंड सो uh, so मैं um, जो मतलब आई ऑलवेज जस्ट सीन के मतलब पैसों के लिए और और फिर चार बच्चे और हमारे लिए माय फादर ने हमें पब्लिक स्कूल नहीं भेजा वो चाहते थे कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें तो उन्होंने हमें प्राइवेट स्कूल भेजा और मतलब मुझे याद है कि मैं आई के कई बार क्या होता है ना नीरू बहुत दिन का भीतर जमा होता है टेक <laughs> फीस के लिए पैसे ना? सब नहीं है। आप जब वो आपको देखती होंगी बड़े बड़े होर्डिंग्स गर्ल्स ऐसे स्लैम बुक में लिखती होंगी कि मैं बड़े होके नीरू बाजवा बनना चाहती हूँ आपके डांस स्टेप कॉपी कर रही हैं और एक इतनी मेल ड्रिवन इंडस्ट्री में नाउ यू आर लीडिंग द मार्च कितनी फिनमिनल जर्नी है नहीं ब्यूटिफुल एंड ऑल देर स्ट्रगल वर्थ नाउ राइट जो उनको लगा कि हम एक घंटा एक्स्ट्रा काम कर लेंगे लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ये चीज़ थोड़ी सी कटौती कर लेंगे पर अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे सारे फोर फादर्स ने हमें यही तो बोला है कि एजुकेशन हुनर वो हमारे साथ रहता है है ना हाँ, क्योंकि उन्हों, मतलब उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या सोचा था <laughs> मेरे फादर तो डॉक्टर बनाना चाहते थे मुझे <laughs> डॉक्टर बनेगी डॉक्टर बनेगी बट um, uh, मतलब बच मम्मा माम उनका ऐसा कुछ नहीं था <laughs> कुछ बन जा पर बन जा कुछ बन जाए ही या किसी पैसे वाले से शादी कर ले बस उनका तो आई एम श्योर यही था बट क्योंकि आई गेस उनका ये था कि इतने स्ट्रगल देखने बस मतलब एक अच्छे घर चली जाए मेरी बेटी एंड मतलब पैसों का स्ट्रेस ना हो आई थिंक दैट वज़ फॉर हर यू नो जब वो लोग ये बातें कर रहे होते आपके मन में क्या होता था कि मुझे क्या ऐसे होता ना नाइन टेंथ तक आते आते ऐसे कि ये करेंगे। आई थिंक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी

क्या साइकिल होता था कैसे नो जस्ट वॉक एक नेबरहुड में वो मतलब दो तीन कॉल डेस और मुझे याद भी नहीं कितना मिलता था बट नॉट दैट मच सो थैंक यू और मैंने काफ़ी जॉब्स किए हैं यू you नो know, एक स्टूडियो में फोटोग्राफी फोटो आ, फ, आ, फोटोग्राफर की जॉब की बल उसके लिए ज़्यादा वो नॉलेज की जरूरत नहीं थी इट वाज लाइक वो डिपार्टमेंट स्टोर्स नहीं होते आ, जैसे पासपोर्ट फोटोज खींचने वो आए वो बैठे पीछे आ, पर्दा टंगा है स्माइल <laughs> वैसे ही ठीक है डन नेक्स्ट और क्या डेट कपड़े बेचे मेट्रो टाउन शॉपिंग मॉल में

late 80s, 80-90s? No 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 uh, uh, nine, uh, 90s or 2000. I was born in 81, so late late 90s, early early 2000, yeah late 90s, late 90s. मुझे dates mid 90s है हाँ mid 90s, and then um, my last my last job uh, was grocery store में वो cashier का नौकरी कर रही थी मैं वहाँ पे Vancouver में और ये pageant के बाद देव साहब की फिल्म के बाद पेजेंट में क्या हुआ था वो बताओ पेजेंट वो पेजेंट में क्या हुआ कि आ, मतलब मैंने देखा कि ये टिकट दे रहे हैं जो भी पेजेंट जीतता है तो मिस इंडिया कैनेडा को ये टिकट देते हैं वो बॉम्बे जाती है कुछ लोगों से मिलती है मैं वॉज लाइक like, मैं बस बॉम्बे पहुंच जाऊं एक बार फिर देखियो मैं की करती हूँ एंड आई थॉट कि ठीक है मैं ये पेजेंट पहले करती हूँ तो आई द पेजेंट और उसमें ऑब्वियसली मतलब मुझे Um, क्या करना होता था उसमें uh, uh, मतलब आई <laughs> एम बहुत रिस्पेक्ट हु कैन डू इट बट मैं नहीं कर सकती वो मतलब बोल आपके, दो सब सही तो बोल रहे हो बोल दो <laughs> आपको सीरियसली मतलब एक मैनेकविन की तरह रहना है आप जैसे आप बता रहे थे कि आपकी स्माइल हमेशा ये पोइज ये वो क्या क्या सिखाते हैं मतलब यू बेसिकली हैव टू बी लाइक अ रोबोट i love the world <laughs> everything is beautiful <laughs> i want world peace <laughs> so yeah. and i was I to wahan pe was as our chief guest i to maine na bazaar smita scene और मैंने कहा अच्छा बाजार एक बहुत कमाल की फिल्म है आपने अगर ना देखी हो तो जरूर देखिएगा तो वो मैंने तैयार किया और चलो क्या क्या सीन था उसमें डायलॉग थे and I won't remember the dumb. मुझे याद नहीं होगा डायलॉग अभी कोई बात नहीं इट्स मैं कर, एक इंटरव्यू में इनको भी बता रही थी कि इतना कुछ हुआ है ना मैंने कहीं दबा दिया है सब कुछ आप मतलब ये फोर्सिंग में वो सब याद करूं एंड माइन्यूटिस uh, डिटेल्स तो मुझे याद नहीं है आई डोंट रिमेंबर द बट उम चलो एनीवेज आई मैं वो पेजन नहीं जीती बट सेकंड रनर अप आई थी। दबा क्यों दिया अह uh, तकलीफ ज्यादा थी इसलिए हाँ, आई मतलब मैं uh, क्या कहते हैं उसे जब आप डील नहीं करना चाहते कि क्या एक्चुअली हुआ है बस ठीक है ठीक है चलते आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद इट आई हैव बट उसको मतलब उसके बारे में मैंने कभी किसी से बात नहीं की ना 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 फादर से ना हस्बैं से ना दोस्त से किसी से नहीं नो बडी सो दीज आर जस्ट इमोशंस डेट आई है

And uh, so I never told them anything that's happening. Yeah. So you spoke those lines from Bazaar. What mm -hmm. was uh, uh, second runner up, bhai, Mila Mujhe. एंड वो एक्चुअली एक डायरेक्टर अनिशा पहुजा जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बॉलीवुड बाउंड जो जिनकी जिन्होंने अभी बनाई टिकल ठाईगर हाँ जी जो सो शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड तो वो वहाँ बैठी थी एंड शीज सॉमी एंड शी इज लाइक जिस तरह तू स्टेज से निकल गई ना आई न्यू दिस इज़ माई ग्रॉ एंड आईज लाइक नहीं अब नहीं जीती तो मैं वहाँ खड़ी रहकर क्या करूँगीवरीबी आई एम डन मेरा टिकट हो गया कैंसल बड़ी ऑनेस्ट लड़की है Baji? Anji, anji, anji. Eh? Yes. So, but um, my reward was that I very good performance. So I was like, I'm <gasps> <laughs> So that was enough for me. And then, uh, नीशा नीशा फिर मुझे बॉम्बे लेके गई और शी सेड तो मैं ना आई एम ए के डॉक्यूमेंट्री तो मैं डॉक्यूमेंट करूँगी और डॉक्यूमेंट्रीज में आपको पैसे नहीं देते ना तो आई सेड वेल मतलब मेरे फादर तो मुझे भेजेंगे नहीं बॉम्बे ना मेरे पास पैसे हैं टिकट के लिए सो इफ यू कैन फे फॉर माई टिकट मैं चलती हूँ तो उन्होंने फिल्म बोर्ड ऑफ कैनेडा से बात की और कैसे भी करके मेरी टिकट करवाई और मैं बॉम्बे पहुँच गई एंड देन बॉम्बे कुछ हुआ नहीं वापस आ गई फिर ग्रोसरी स्टोर में काम करने लगी और एक दिन आई वॉज अच्छी वहाँ पे ना जहाँ मैं काम कर रही थी लॉट ऑफ पंजाबीज आई लव दम बट क्या हो रहा था कि थोड़ा हरासमेंट फील कर रही थी कोई भी आके मतलब एक बार तो मैनेजर हैड टू वॉक मी मतलब जॉब से गाड़ी तक क्योंकि कुछ लड़के तंग कर रहे थे बेसिकली हरास कर रहे थे एंड तो मैं एक दिन वो स्वीप कर रही थी अपने कैशियर के सामने और पता नहीं क्या स्ट्राइक हुआ आई सेट नहीं बस यार बस हूँ तू आ ही करेंगी सारी लाइफ यू लिव द सेम लाइफ एज यू पंजाबी बोली और एक्चुअल जो बात है वही आ रही है कि जो मतलब मम्मी 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 डैडी ने जो भी स्ट्रगल की थी तो आ ही कर दी रहूँगी सारी उम्र लाइक एंड गेट आउट चल चल हूँ तू आता हो गया सो so उस दिन मैं वापस घर गई एंड मेरे घर में लेडीज़ बहुत हैं मतलब मजॉरिटी जस्ट माई फादर एंड मेरे माई ब्रदर तो पहले मैंने उनसे बात की जी मेरी नानी है वेरी स्ट्रोंग लेडी उन्होंने उन, उन्होंने भी अपना हस्बैंड मतलब वैन मेरी मम्मी मतलब दो तीन साल के थे तो नाना जी गुजर गए थे तो शी स्ट्रोंग लेडी थे मैं क्या उन्होंने कि मैं बीबी -बी जाना इंडिया मैं बॉम्बे जाना मैन पैसे चाहिए एंड इज़ अ वेल ऑफ लेडी सो शी सर कि कोई ना पुतू जा मैं पैसे दी हाँ एंड दैन पहला उन्होंने गल की फादर ना जो कर, um, कम तो करे आए um, मैं पहला सह लैन तो दो <laughs> <से दिखा। laughs> <laughs> <laughs> हजे नहीं सो शी शी हिम शी देख जसवंत कुड़ी ने बंबे जाना पैसे मैं दे दूंगी तू जान दे एंड um, वो अपने कमरे में चले गए कमरे में चले गए ही वॉज लाइंग आई रिमेम्बर ऑन हिज बेड लाइक दिस और मैं um, मतलब उनके पास ही बैठ गई है नाइफ आई जस्ट पुट माई हेड ऑन हिस्स चेस्ट एंड आई सेड प्लीज़ डैड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज जान दो प्लीज़ जान दो एंड आई आई सेट मैं कुछ गलत नहीं करूँगी मैं थोड़ी बेइज्जती नहीं होगी आई मेक यू प्राउड प्लीज़ जान दो एंड उन्होंने बस इतना ही कहा कि ठीक है जा मैं परमिशन देना तेन बस ही सर याद रखें कि इट्स लाइक बॉम्बे ओकी से ओशन असी छोटी मछली बिग दरिया कुछ एंड <laughs> uh, मतलब ही वॉन्ट मे कि ईजी नहीं होगा को, कोई नहीं जानता एंड ऐसे कोई ना मैं कर लूँगी डोंट वे सो ही ले गो मैं चली गई मैं चली गई बॉम्बे पहुंच की एंड इट वॉज इट वॉज अ शॉक क्योंकि हम जो फिल्मों में देखते हैं वैसा है नहीं और मतलब इवन इन आर फैमिलीज हम सबको अंकल आंटी ये वो सब कहते हैं एंड मतलब दैट्स द रियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड बॉम्बे तो आप वहाँ जाके स्ट्रीट स्मार्ट बन जाते जो स्ट्रीट स्मार्ट मैं थी नहीं आई जस्ट थाट वहाँ मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ कोई मुझे देखेगा कहेगा कि हम लॉन्च कर देंगे और वैसे होता नहीं है सो so, काफ़ी चीजें हैं वो जो पहले तो मतलब फ्लैट लेने की स्ट्रगल थी सताजी बोर्ड आई फील सो बैड हाँ ठीक है मैं इनसे ज़्यादा मिला नहीं हूँ पर आ, इनको जब आप गाते हुए देखते हो सुनते तो खूब हो तो जो बोलने वाला पहला सबक सीखता है इन माय लिमिटेड नॉलेज वो ये है सुनना बोलना बहुत बाद में आता है ऐसा बोलना कि लोग सुने तो जो अच्छा बोलने वाले हैं अच्छा गाने वाले हैं वो जब बहुत कमाल के लिसनर होते हैं है, है ना एंड इनकी हम जब लाइव चॉइसेस देखते हैं ना कि ऐसा नहीं अच्छा ये गाना चल गया तो बीस कर लो पचास कर लो जो चलन में जैसे ट्रेंड में है वैसे कर लो सो so, आप आप बोलते रहोगे शाम तक तो हम तो लोग सुनते रहेंगे ठीक। तो आप दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट यू यू आर शेयरिंग योर योर स्ट्रगल एंड योर ग्रीफ फ्रंट ऑफ कैमरा पर एक बैठ के हम अलग से भी करेंगे हैं huh? एकदम कैमरा बंद बैठ के मतलब आराम से हाँ ठीक है हाँ वो जो आपका वो जो सिप वाला डब्बा है ना उसमें एक्चुअली कंटेंट चेंज करके ग्रे ग्रेप जूस डालेंगे ठीक <laughs> सरदार कह रहा मैं सूफी बन रहा हूँ मेरे सामने ये बातें मत करो <laughs> कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जब मैं आंसर देती हूँ ना कोई के बस कर नहीं 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 नो दिस ऑल थिंग्स इवन आई हमारी दूसरी फिल्म कितने हम बातें की है लेकिन मैंने ज़िंदगी में ये बातें कभी नहीं सुनी हायर सॉफ्ट यू या पता नहीं ये खुश हैं इस बात से या नहीं है लेकिन इट इज़ कॉल्ड कथारसिस इन लिटरेचर तो ये बहुत ज़रूरी था मैंने मैं इनको ब, ब, बा, बाकी बातें तो कहता रहता हूँ कि अच्छा यार ठीक है अब मैं उन चीज़ों को कॉरलेट कर पा रहा हूँ कि जो भी ये करती थी या हैं वो उसके रीज़न्स यहाँ पड़े थे मतलब एक जो पुराने सोट आई वॉज वेरी टच्ड एंड इमोशनल ऑल्सो इट इट इज़ वेरी रेयर तो आपने एक बार मेरे को बुलाया भी तो मैंने कहा हाँ जी क्या बोल रहे हो पता बस सो लॉस्ट इट इज सो टचिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड आप क्योंकि मैं जाता हूँ प्रदेश स्पेशली कैनेडा तो मैं समझ सकता हूँ कि वो जो स्ट्रगल है काम की प्रेशर है मॉडगेज का बच्चों की पढ़ाई का सो जब ये लेटी होंगी अपने फादर की छाती पर वो सारी चीज़ें सर वो that's a film in, in itself, तो वर We ट्रांसपोर्टेड हाँ. yeah. शुक्रिया सरदार जसवंत सिंह साहब आप जहाँ भी हैं टू से दैट यस और मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर बाप हर माँ जब जब उनके बच्चे आए उनकी छाती पर सर रखें या उनसे कोई इजाज़त मांगें और अगर आपको लगे कि इतना भी लगे ना कि ये कर सकता है तो प्लीज़ हाँ बोलिएगा बिकॉज जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हमें हर वक्त भाई हमें ना दूसरे लोग ऐसे रेजगारी में अपने अपने सपने दे देते हैं ये डॉक्टर बन जा इंजीनियर बन जा पायलट बन जा हमसे नहीं पूछा जाता है कि हमें क्या करना है क्या बनना है और जब हम हिम्मत जुटाते हैं और कई बार हम गिरते हैं गलत भी करते हैं घुटने भी छिलते हैं इट्स नॉट ईजी पर वो एक एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि यार जो मन की थी वो की

He's done all those films. हाँ जी सो उनसे एक्चुअली मेरी मुलाकात वैंकूवर में ही हुई मेरे एक अंकल थे जिनके साथ उन्होंने मंजी के साथ डी सी में पढ़ा था सो मै अंकल एस्पायरिंग एक्टर पढ़ा था वहाँ पे आई एफ टी में वहाँ पे एंड ही मतलब चलो वो बने नहीं एक्टर वैंकूवर आ गए बट उन्होंने कहा कि चलो मेरा एक दोस्त था बड़ा सिनेमाटोग्राफर आ जे देख ली गल बनती है मैं नंबर दे देना बट मंजी सो खाइंड सो मैं रोज़ उनको फ़ोन करती थी उनका नंबर मुझे आज भी याद है और किसी का नंबर याद नहीं उनका फ़ोन नंबर याद है एंड आई कॉल्ड हिम एवरी सिंगल डे तो मैं बॉम्बे पहुंच के नाई फोन में वैसे मंजी मेरी हेल्प कर दो प्लीज़ मैं आ गई हाँ uh, मैनू फ्लैट uh, की लड़ा ते मेनू कुछ समझ नहीं आ रहा कोई दे नहीं रहा क्योंकि मैं एक कुड़िया यू नो एंड कोई मेनू फ्लैट नहीं दे रहा सो so, मेरी उम्र थी आपकी 21 21 तो उनके चलो उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया ओके दोस्त के थ्रू तो मुझे फ्लैट मिल गया व्हिच आई ऑब्वियसली पेड फॉर कहां पे अंधेरी अजू जू जे डब्ल्यू के सामने इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन थिएटर जावेद साहब भी वही रहते हैं अच्छा नहीं पहले बॉम्बे पोर्सन वाले मैं पंजाब गई मोगा क्योंकि बीबी तो पैसे लेने से जो कैरी ऑन होता है उसमें मतलब इतने पैसे ले आई थिंक मतलब थ्री लैख होते हाँ तीन लैख देते तो ही चला गया खर्चे हाँ एक बैग में डॉक्यूमेंट्री के लिए आई बट कुछ नहीं हुआ फिर मैं वापस चली गई वो ग्रोसरी स्टोर में अच्छा उसके बाद फिर आई सर की नहीं अब मैं खुद ही चलती हूँ तो आई फ्लैट और फिर जैसे होता है कि अब पोर्टफोलियो करवाओ पोर्टफोलियो शूट करवाओ वो करवाया देन ऑडिशन दो ऑडिशन् जिनसे मुलाकात हुई आ, पहले नहीं मतलब इतन, इतनी समझ में आई कि एक्चुअली क्या कह रहे हैं मुझे मतलब वो समझ में नहीं आता पहले क्योंकि इस तरीके से बोलते हैं कि अगर आप इन सब मतलब यू नॉट दैट स्ट्रीट स्मार्ट वर्क आपको समझ में ही आता कोई कोई डायरेक्टली आपको क्या कह रहा है कास्टिंग काउच के बारे में बात कर रही हूँ तो um, इस तरह की हिंट ड्रॉप हिंट्स मतलब uh, डिनर पे चले या कॉफ़ी पे चले या ये सब मतलब लाइक like, नहीं मतलब, मतलब नहीं मैंने तो खाना खा लिया मैंने तो खाना खा लिया <laughs> या ओके okay, क्या फोन आता था ये फिल्म लगी है तो आप फिल्म देखने चलोगी लाइक है लाइक लाइक मैं अंकल से मैं क्यों फिल्म देखूँगी इसके साथ सो यू नो वो बाद में समझ आया कि ओ, अच्छा ओ ओ <laughs> ये भी कोई दोस्त एक्सप्लेन करता था आपको खुद ही फिगर आउट देन आई फिगर्ड इट आउट माई सेल्फ क्योंकि दोस्त मेरे एक्चुअली बने नहीं बॉम्बे में um, uh, कोई दोस्त नहीं अभी भी एक uh, uh, सागरिका घाट के हमने हमारी मुलाकात हुई एक फिल्म के दौरान जो हमने um, uh, चिराग पासवान जी के साथ किया की थी uh, मैं uh, मैं सागरिका एंड uh, कंगना रनावत थ्री अवस तो आई वी वी कनेक्टेड और वो uh, मतलब आज हम, हमारी बात होती रहती है बट हम मिले नहीं क्योंकि मैं बॉम्बे ज़्यादा जाती नहीं और वो, वो कैनेडा आती नहीं सी ऑल्सो सो या सो एनीस कभी वैसी हेल्पलेसनेस लगी कहीं पर वो जो, जो जैसे मॉपिंग करते हुए एकदम इनर रेज और गुस्सा आया था वैसी मैं वापस जाना चाहती थी आई गेव अप एक बार एक कुछ हुआ कि मुझे लगा कि नहीं मैं यहाँ मैं नहीं रह सकती यहाँ पे और अकेलापन बहुत महसूस होता है बॉम्बे में अगर आपकी फैमिली ना हो you know, आपकी यू नो आपके दोस्त ना हो दोस्त भी आई डोंट थिंक बहुत रेयरली सच्चे दोस्त बनते हैं वहाँ पे सब स्ट्रगल कर रहे हैं सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं इट्स खट थ्रोट ई फल्ट वेरी लोनली एंड हेल्पलेस मतलब जब मुझे लगता था कि कोई दोस्त बन गया है तो बाद में पता चलता था कि नहीं ऑल्टे मोटिव था अब किसी को भी ट्रस्ट करते हुए यू थिंक नहीं इसको तो ये चाहिए था वो चाहिए था सो आई मतलब मैंने गिव अप कर दिया था मैं वापस जाना चाहती थी मैंने माइंड तो बना लिया था कि मैं वापस जा रही हूँ और फिर मुझे एक कॉल आई अस्तित्व एक प्रेम कहानी uh, जो किसी चैनल पर

उसके लिए कॉल आई एंड आई थॉट कि ठीक है चलो ये लास्ट ऑडिशन दे देती हूँ पर ऑलरेडी मतलब मैं जहाँ भी जाती थी और मैं बोलती थी कि मैं कनाडा से हूँ तो एनी उनका नोशन ये था कि कनाडा की लड़कियाँ तो मतलब वेरी इजी वेरी वेरी फास्ट मतलब देर वेरी ओपन अबाउट ऑल दिस मतलब सो so, कनाडा से आई तो सो जाएगी हाँ बेसिकली सोएगी उसकी जब मर्जी होगी जिसके साथ अकेले कॉल डिनर पे चली जाएगी पार्टी करेगी शराब पिएगी हमारे साथ ये वो सब सो so, um, मैं वहाँ गई एंड आई सेड मैं चंडीगढ़ से हूँ हेलो <laughs> <Hello> जी <laughs> तो आई मेड अप दिस होल बैक स्टोरी कि मैं मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और दैट्स इट एंड देन आई डिड माय फिर फिर मेरी हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कुछ नहीं था दे थॉट कि हाँ शी इज़ एन इंडियन गर्ल फ्रॉम इंडिया नॉट अब्रॉड फिर सब ठीक था तो मैं एनीवेज आई पास फास्टर ऑडिशन मुझे वो रोल um, uh, मिल गया एंड um, मुझे पता नहीं था कि वो सीरियल एक्चुअली इतना पॉपुलर है कि वो सीरीज़ इतना पॉपुलर है निकिया नीचे वो सच ए बिग स्टार तो मैं ऑनिस्टली ऐसे ठीक है कर लेती हूँ इतनी जल्दी वापस तो नहीं जाऊँगी सर सुर्व, हो जाएगा मेरा पैसे कमा लूँगी थोड़े सो आई डिड दैट सीरीज़ और फिर uh, वो इतना पॉपुलर हो गया कि मंजी ने वो देखा एंड ही वज वो पंजाबी फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने मुझे पंजाबी फिल्म ऑफर की कौन सी uh, पहले तो असानुमान वतना था उसमें मेरा काम उनको ठीक लगा एंड सेकेंड लीड थी उसमें और फिर उन्होंने मुझे मेन लीड दिया दिल अपना पंजाबी एंड या फिर टिप्स ने मुझे साइन किया एज एन आर्टिस्ट सो जो भी उनकी पंजाबी फिल्में थी जैसे जिन्हें मेरा दिल लुटा दिलजीत गिपी मेल करा दे रबा व जमी उसमें मैं थी सो वहाँ से कहानी आगे बढ़ी थोड़ी एंड आई फेल्थ नाइस आई फल कंफर्टेबल मंजी मतलब इतने हीज़ जस्ट लाइक अ फादर आई 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 वे सी के मतलब कितना इट्स सो डिफ़िकल्ट के लड़कियाँ जब बाहर से आती हैं कहीं से भी आती हैं उनकी कोई कनेक्शंस नहीं है वो ऑफिस में पहुँच जाती हैं और वहाँ मतलब मेरे टाइम में तो ऐसा था कि अपना शॉर्ट कपड़े पहन के आओ क्योंकि आप जब मिलोगे तो यू शुड लुक ग्लैमरस एक तो आप रिक्शा ले रहे हो आप छोटे छोटे कपड़ों में आप खड़े हो यू फील अनकंफर्टेबल ये कर रहे हो वो कर आप आपको आप स्कैन कर रहे हैं लोग मतलब एक एक्टर का क्या लेना देना आप ग्लैमरस हो या नहीं पोर्टफोलियो आपके आगे है अब वो देख लो ना मैं ग्लैमरस लग नहीं रही हूँ <laughs> उसमें तो ऐसे मतलब इट्स लाइक अ वे आई फील लाइक कि आप जैसे किसी को आ, पहले ब्रेक डाउन करते हो ना यू मेक दम एब्सोल्युटली हेल्पलेस और फिर आ जाओ यू आर वर्थलेस एंड नाउ आई 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 विल विल गिव गिव यू यू नाउ तो वो कोशिश तो करते हैं कि बिल्कुल ही आपका सेल्फ वर्थ सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करने के लिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ अनफॉर्चुनेटली जो मेरे सफर में आए मुझे ऐसे ही लोग मिले नहीं बट थैंक यू फॉर शेयरिंग बिकॉज देयर देयर थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स आउट हु आर स्ट्रगलिंग एंड वी नीड टू नो दिस साइड एज़ वेल आई एम श्योर कि मतलब चीजें बदल चुकी हैं नाउ आई वुड लाइक

बड़े बड़े डायमंड्स हैं गोल्ड ये वो तो आई जस्ट सी खरीदूंगी और एक वहां पे बहुत ही पॉपुलर दुकान है नहीं करना था okay. <laughs> तो कर okay, okay. <laughs> जूहू में ही है वो दुकान लोकेशन भी बता दी ठीक <laughs> है मैंने नाम नहीं। तो वो तो आप काट देंगे ना जूहू में तो so, एक दिन मैं गई एक फिल्म के पैसे क्योंकि पहले पंजाबी फिल्मों में इतने पैसे भी नहीं मिलते थे ऑल मनी तो भाई आप अच्छे पैसे मिलते हैं पंजाबी फिल्मों में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं सर नहीं, नहीं मैं तो पहुंच गई एंड कड़ा देखा पीस ऑफ ज्वेलरी ये मुझे चाहिए

हरमीक पाल सिंह जवरदा क्या करते हैं वो ही इलेक्ट्रिकल रिसाइकिल कंपनी और उनके मतलब काफ़ी ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग कंपनी मैं जब ये अपने कड़े की कहानी सुना रही थी तो आपके कड़े पे मेरी नजर गई अच्छा जब हम सिख धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वो जो पंच चिन्ह है वो सिखाए जाते हैं कि कृपा हाँ जी अच्छा कड़ा और कंगा जी आप जब स्कूल में थे तो कब आपको आ, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी और इसकी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जब हम लोग गुरुद्वारों में जाते हैं गुरु घर में जाते हैं तो शब्द सुनते हैं कीर्तन सुनते हैं है ना तो रागी बैठे होते हैं सब संगीत सुनते हैं तो वो अगर आपका घर थोड़ा भी धार्मिक है तो आपकी सुबह की शुरुआत उसी से होगी तो क्या वो पहला सुर था जो आपके कान में कॉन्शियसली पड़ा आपकी वो जर्नी कैसे शुरू हुई मेरी फैमिली तो एक्सट्रीमली रिलीजियस है सर नॉट लिटल रिलीजियस मतलब जो प्रॉपर लोग नहीं होते धर्म के अनुयायी वो मेरे दादी जी की गोद में ही मैं ज़्यादा पला हूँ कहाँ पे रहते हैं सब लोग होशियारपुर ज़िला है उनका गांव है बजरावर वैसे बजरौर था जैसे लाहौर है बजरौर लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उसको इंग्लिश में लिखा तो बी ए जे आर ए डब्ल्यू ए आर कर दिया था तो वो रावर ही लिखा उन्होंने लेकिन जब पढ़ने वाले फिर रावर पढ़ने लगे तो बजरावर हो गया तो मेरी ये वो इलाका है सर दुआबा जिसको पंजाब में बोलते हैं दो नदियों के बीच हाँ ब्यास और सतलुज के दरमियान की जो ज़मीन है वो दुआबी है उसमें चार डिस्ट्रिक्स हैं कपूरथला दवाशहर जलंधर एंड होशियारपुर तो हारपुर ज़िला हमारा है सबसे ज़्यादा पहाड़ों के नज़दीक ये ज़िला है और इसके बाद हिमाचल की बाउंड्री शुरू हो जाती है ऊना डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए वहाँ हरियाली बहुत है पहाड़ों में बारिश होती है तो पानी बह के सारा हमारे खेतों गलियारों में आता है चो पंजाबी में कहते हैं वो बह के आते हैं तो उनमें हमारी पैदाइश परवरिश परवरिशाही बड़ी मिस्टिक है अब भी मैं जब इमेजिन करता हूँ सारे पंजाब में तो सारा पंजाब खूबसूरत है लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ पैदा पैरवलिश है तो वो आपको अजीज़ ज़्यादा होता है वहाँ की ज़ुबान भी वहाँ का विस्टा भी या सारा कुछ तो हमारे आ, क्या कहते हैं जूह पंजाब कहें पिंड की जूह ही एक गुरुद्वारा साहब है सावन सातवें पास गुरु हराज साहब का इतिहासिक गुरुद्वारा है हरिया वेला वहाँ वो बेल जब लगाई थी तब से अब तक हरी है इसलिए उसको हरिया अच्छा तो तो हमारा आना मस्या अमावस्या जिसको बोलते हैं उसका एक मेला लगता है हर मंथ वहाँ पे तो हमारा ये पक्का वो होता था कि हर मस्या हमने वहाँ जाना है तो जब रास्ते जाना तो एक चो पड़ता है पहाड़ों वाला जब सुबह जाते थे तो ठीक है बारिश तो हुई नहीं जब आए तो उसमें पानी है इतना इतना पता नहीं चलता ये कहाँ से आ गया तो वो पहाड़ों में बारिश हुई होती थे पानी बह के वहाँ तक आ जाता है फिर आपको इंतज़ार करना होता था शाम तक सूरज ढलने तक ये पानी धीरे नीचे हो जाए फिर हम लोग गुजरें अपने गाँव तक जाएँ तो उसी मुहिम में कारोबार में और जब ये इंतज़ार कर रहे होते तब क्या कर रहे होते थे आप कुछ नहीं बस रेत पे बैठ जाओ जब वापस गुरुद्वारे चले जाओ वहाँ बालन जो लकड़ियाँ काट लो सेवा कर लो लंगर बनवा लो या कुछ कर लो तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इन मतलब नर्शिंग में हमारे रिलीजन है मेरे तो ख़ास तौर पर बहुत ही तो सारी की सारी बाणियाँ जो लोग कंठ करते हैं वो मुझे फोर्थ या फिफ्थ क्लास में याद थी जिसको हुक्मनामा कहते हैं आपको शायद नहीं पता होगा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ऐसे खोल के ऐसे पकड़ के आप कुछ पन्ने ऐसे दोबारा खोलते हैं जो भी पन्ना निकल गया उससे सबसे अव्वल जो शब्द होगा वो उसको कहते हैं ये गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्म है उसको कहते हैं हुक्मनामा तो मैं फ़ोर्थ क्लास में सर वो ले, ले लेता था तो इतनी ज़्यादा क्लास में वो ले लेते थे मतलब पढ़ लेता था अच्छा मतलब ताब्या ताब्या बैठना कहें अनु गुरु ग्रंथ साहब जी के वहाँ मतलब कोई कोई बैठ सकता है कि जो वहाँ बैठ के शब्द पढ़ सके या गुरबानी कर सके तो कुछ भी आ जाए मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको चार पांच शब्द याद हैं कि वही आएंगे वो तो कोई भी पन्ना खुल सकता है हुकुरमा के तौर पे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है इसको हिंदी में भी एक लफ्स है शायद संथया हो, होता होगा पंजाबी में ये कहते हैं गुरसिखी जीवन में कि आपको अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब के को पढ़ना है तो संथ्या लेनी चाहिए कि आप तल्फ़ की दुरुस्त की रहे उसमें जो भी लिखा है एग्जैक्ट प्रोनाउंस करना है नहीं तो उसके मायने बदल जाएंगे जी तो वो मैंने ली नहीं वो मेरे घर से ही थी सर मेरे परिवार में ही थी तो इसी जो भी बाद में चाहे जिस लैंग्वेज में मैं गया क्योंकि संस्कृत इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो लेकिन वहाँ संस्कृत के इतने सारे लफ्ज़ हैं जाप साहब अगर आप पढ़ें फ़ारसी का जफ़रनामा भी मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड किया था उर्दू की मैंने एक एल्बम रिकॉर्ड की जिसको जावेद साहब ने रिलीज़ किया हाँ उनके हाथों शबाना जी उस जहाँ की आप सन सैन की बात कर रहे हैं <laughs> वहीं पे हुआ था इरशाद काम जावेद साहब और शबाना जी तो मेरे ख़्याल से ये परिवार से आप आता है तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा आप ऐसे क्यों हैं तो मैं उसका सारे का सारा सेहरा जिसको कहते हैं अपनी नर्सिंग को ही देता हूँ कि आपकी जैसी परवरिश होती है ना आप वैसे हो जाते हो तो मेरे परिवार मेरे नहीं, जब लोग ये पूछते हैं आप ऐसे क्यों हो उसे मतलब उनका क्या मतलब है कैसे हो आप कैसे भी हो जैसे आप जैसे हैं आप ऐसे क्यों हैं जो जो भी आप बोलते हो जैसा पहनते हो जैसा कहते हो जैसे लोगों से डील करते हो आप कैसे क्यों हो तो मैं उसका उसकी वजाहत जी जी आपकी परवरिश को देता हूँ मुझे ये कहते हैं कि अच्छा यार आप चलिए अपने मुँह से अच्छा नहीं लगता कि आप बहुत एम्पथेटिक हो कंपैशनेट हो हमेनेटेरियन हो अदब से बात करते हो किसी को बेज बिल्कुल भी नहीं करते आप मैडम क्या क्या बोलते हो नहीं नहीं चलिए वो तो बनता ही है <laughs> तो नो शी डिजर्व दैट एंड तो उनको लगता है कि यार ये बहुत फेक है शुरू शुरू में ये होता था जब मैं 2009 में मेरी इंट्रोडक्शन हुई तो इंटरव्यू करते थे ना बड़े बड़े लोग आप जैसे तो उनको लगता था कि यार ये ये जो बातें कर रहा है ना ये बनाई हुई बातें नहीं होती कि अच्छा ऐसी चुपड़ी हुई बना के रखनी तो मैं तब भी ऐसे ही बात करता था अब उनको लगा एक डैकेट या डेढ़ डेकेड हो गया अब ये ऐसे कर रहा है इसका मतलब ये ऐसा ही है वरना रिवील तो हो ही जाते हो आप किसी के साथ ट्रैवल कर लो दो तीन दिन इकट्ठे रहो पता चल जाएगा ये ऐसा बंदा है है ना असलियत निकल जाती है तो मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ इस बात से कि कंटेंट हूँ बहुत ज़्यादा कोई दौड़ नहीं है कोई ख्वाब नहीं है कहीं पहुँचना नहीं है तो बस अफसाने आते रहें तर्ज़े बनाता रहूं जो दिल करे वो रिकॉर्ड करता रहूं रिलीज़ करता रहूं लोगों को अच्छा लग जाए उससे ज़्यादा गनीमत कोई नहीं है वरना फिर भी फनकार है ये भी अपने आप में कलामत है तो दिस इज वट <laughs> कभी, कभी, yes, like, यार <laughs> ये तो आप आज हैं आप हैं तो मैं बोल रहा हूँ इधर मुंह करके अगर मैं ऐसे भी होता फिर मैंने वो और बात करनी थी पर ये कितनी इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग ना कि दो लोग जो शोर sure है बहुत अलग अलग किस्म के हैं एंड दे कम टुगेदर देद कोलेबरेट हाँ हाँ ये मुझे भी बड़ी बहुत हैरानी होती है जैसे मैं कहता हूँ ये पैसिफिक ओशन के उस तरफ रहते हैं मैं इस तरफ रहता हूँ ओशन एक ही है लेकिन किनारे जब अलहदा हो जाते हैं तो वहाँ वेस्टर्स बदल जाते हैं जैसे यार अरेबियन सी के एक तरफ आप मुंबई है दूसरी तरफ देखिए क्या है तो लोग कितने अलग हैं है तो वो अरेबियन सी के ही तो इस लिहाज से या मैं चुप्पी कर जाऊँ मेरे ख्याल से मुझे पता चल गया है <laughs> नहीं प्लीज़ <laughs> तो जब आप जब मैं 2010 में काम के सिलसिले में चंडीगढ़ गया था पहली बार और उसमें एक हमारा हिडन मोटिव भी था जैसे इनको लगता था कि ये मुंबई जाएंगी तो कोई देख ले तो हमें लगा कि मैं जब जाऊंगा चंडीगढ़ काम करने तो जो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं उसके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं तो मैं उनको मना पाऊँगा ओके okay. तो वो ए, एक ऑफिस वाला काम होता था फिर एक काम होता था कि असल वाला काम हाँ इनको लगे कि ये सबसे अच्छा लड़का है ना क्योंकि उसमें बहुत सारे जो हाँ जो सोशल आइडेंटिटीज होती हैं इट वर्क्स जी तो जब मैं पहुंचा तो एक गाना वहां बड़ा धूम मचा रहा था है ना, जो आपका साई अच्छा। उसको मैंने बहुत अलग अलग लोगों से अलग अलग जो शिरडी वाले साई बाबा को मानते हैं वो uh. उसको उस हिसाब उस से सुनते थे जो हिंदी स्पीकिंग में है जो वहाँ के वो एंड एन आई यूज टू टॉक टू जर्नलिस्ट देयर इन चंडीगढ़ बोले अरे अभी तो यहाँ था पंजाब यूनिवर्सिटी में आज कहाँ पहुँच गया तो वो <laughs> उनको थोड़ा सा एक लंबा वक्त लगता था इस चीज़ को करने में कि अरे साहब तो बड़ी भीड़ आ रही है अच्छा <laughs> वो फ्लिप कैसे हुआ यू आर टीचिंग देयर आई वॉज हाँ जी हाँ जी पीएचडी कर रहे थे आपने पी एच कर ली थी हाँ साथ साथ में कर रहा था साथ साथ में कब से कब तक था आपका पीएचडी का टाइम मेरा पीएचडी का टाइम सर स्टार्ट होता है मेरी मास्टर्स खत्म हुई थी 2001 में फिर मैंने एम किया डेढ़ साल में ही ख़त्म कर लिया आ, बहुत जल्दी मतलब मिनिमम टाइम जो किसी डिग्री को लग सकता है मैंने वो लगा एक साल का क्लास वर्क करके आपने छः महीने में जमा कर दिया एजिटेशन जमा कर दिया उसके बाद जैसे वही सब्जेक्ट मेरा डॉक्टरेट में आ गया तो मैंने मेरे घर से ढाई साल में वो प्रोविज़न होती है अगर आपने उसी सब सेम सेमजेक्ट में एम किया है तो आप उसको जल्दी सबमिट कर सकते हो हाँ, तो अमूमन लोग पाँच साल छः साल लगा देते लगाते हाँ भी लगाते हैं लोग तो मेरे तो मेरी डिग्री मिलने तक तीन मत क्योंकि जो कन्वोकेशन होनी थी उसमें छः महीने थे तो सारा कुछ सबमिट होके वाई वाह होके डन हो के मेरे को डिग्री मिल गई थी टॉपिक पर सूफी सूफी गायन परंपरा का साहित्यिक एवं संगीतात्मक अध्ययन कौन से पोइट्स लिए थे आपने तो सारे मैं इसको उसका, उसका सारा ही सूफीजम का जितना डाइसप है ईस्ट का ना मतलब ईरान से लेके अफगानिस्तान से लेके यहाँ तक तो इसीलिए मुझे जैसे मैंने आपको मेरी फैसिनेशन टूवर्ड्स ईरान तहरान बताई है तो वो तब से है नहीं कभी नहीं गया ख्वाहिश है अभी तो मेरे ख्याल से वीज़ाज भी नहीं लेने पड़ते वहाँ के लिए जो मेरा सरपेच है कभी आपने मुझे स्टेज पे देखा हो तो वो एक ईरानी ऑर्नामेंट है उसको सरपेच लफ्ज़ ही बड़ा खूबसूरत सा जो टका रहता है जी 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 तो वो इरानियन ऑर्नामेंट है मेरा जो नाम है सरताज ये वैसे तेरह जुबानों का एक वाद ऐसा लफ्ज़ है जो तेरह जुबानों में एक ही तरह से लिया जाता है लेकिन ये बेसिकली फारसी का लफ्ज़ है तो आपने शिफ्ट बोला है तो पढ़ा रहे थे मेरी सबसे बड़ा ख्वाब प्रोफेसर बनना था जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज हशियारपुर में था मेरा म्यूज़िक ऑनर्स के साथ बैचलर है तो, तो अब मुझे अपनी जर्नी इतनी छोटी लग रही है इनके सामने आज नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं नहीं, नहीं मैं सच बता। की बहुत अलग अलग, अलग जर्नी <laughs> शी सच मतलब आप जिस वक्त ये मॉपिंग कर रही थी आ। या मिरर के सामने इनेक्ट कर रही थी उस वक्त आप गुरुद्वारे के बाहर लकड़ियाँ काट रहे थे अपने इंतज़ार में सबकी अपनी जर्नी है थैंक यू पर मुझे ये ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने कहा बेवजह में सर अगर गलत है मैं नहीं मैं मेरे पे बर्डन ऑफ एथिक्स बहुत होता है मेरी किसी चीज़ के बारे में मुझे लगता है कि ये हर, जो है या तो मैं वो बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ तो ये बड़ी प्रॉब्लम है मतलब जो नहीं है मैं नहीं महसूस करता वो मैं नहीं बोल सकता चलिए मैं तो ग्रेजु मुझे था कि यार ये जो मुझे पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर ये तो बड़ी बड़ी चीज़ वो भी म्यूज़िक का इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है तो एक मैंने नाम सुना था उस वक्त एक शायर थे डॉक्टर जगतार एक तो वो शायर इसके एक उनके साथ आगे डॉक्टर लगा हुआ तो मुझे ये था कि बस डॉक्टर आगे लगना चाहिए और कुछ हो ना हो तो सर लेकिन ऑब्वियसली जैसे परिवारों के होते हैं मैं एक गाँव का लड़का हूँ बहुत ही ज़्यादा हम्बल एक तो हम्बल होता है उससे ज़्यादा एक पुअर ही लगा लीजिए क्या करते थे मम्मी पापा खेती बाड़ी का वही था क्या होता है आपके खेत में बहुत छोटे खेत होते हैं दुआबे के लोग इसलिए सर प्रदेश गए हैं वहाँ ज़मीनें बहुत कम हैं कनालांच कहनी जमीन होंगी है भी नहीं होंगी जैसी मालवा में ज्यादा मालवा में बहुत बड़ी बड़ी वहाँ तो ऐसे होता है एकड़ों में जमीन है सौ किला किसी का अस्सी किले किसी का कुछ वहाँ जागीरदारी है वहाँ जमींदारी है यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि जमीन बहुत कम है जरखेज़ है ये जरूर है लेकिन वो उससे उतना ही चलता है जितना हो सकता है इसलिए जरखेज़ हो आप कितना होगा लोग छोटी है इसीलिए सबसे ज्यादा लोग हिशारपुर के या तो वो पड़े हैं या फिर वो प्रदेश गए हैं बेसिकली दोबे के लोग क्योंकि उसके अलावा कोई तो आपके जहन में कभी आया जब आप पढ़ रहे थे कि कनाडा चले जाएं स्कूल के दिनों में पता नहीं मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया प्रदेश सर मतलब करना चाहिए था मैं आप भी हैरान हूँ अपने आप से कि क्यों नहीं मेरा सभी सारा कुणबा कहें पंजाब सारी फैमिली बाहर हैं मर कर मैं मैं अकेला ही हूँ यहाँ तो इटली होते थे मेरी मासी जी मतलब कब से मेरे नाना जी सर मुझे सानू पंजाबी मैं तुम्हें दसदा विलैतियाँ दोते मतलब दो दो हाँ हाँ हा, सब समझ में आ रहा है बिल्कुल जहाँ नहीं आएगा मैं पूछा हाँ मतलब मेरे नाना जी इंग्लैंड थे तो सानू कहते जो अम तो के जाते हैं तो वो कहें विलैतियाँ देते आ गए मतलब विलयत के दो के परपोते जो भी आप हिंदी में उसको बोलते हो गए वो आ गए हैं लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ताए जी के बच्चे बाहर से आते थे हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते शूज़ लेके आते थे बड़ा अच्छा लगता था है ना फैंसी आप हो जाते हो यकदम गाँव में तो मेरे फादर भी रहे हैं नॉर्वे उनका एक दोस्त था नॉर्वे में तो वो वहाँ गए वहाँ उनका मैं फ्लावर्स की फार्मिंग होती थी उनके दोस्त की वो क्लासमेट थे उनके तो आज भी मैं उनका जिक्र करता हूँ जब जब मैंने तो वहाँ मैं आता हूँ दोबारा तो ग्रेजुएशन हो गई विद म्यूज़िक ऑनर्स मेरे बड़े भाई मास्टर्स इन लिटरेचर पंजाबी कर रहे थे तो मैंने भी एडमिशन मास्टर्स इन लिटरेचर पंजाबी गवर्नमेंट कॉलेज हजारपुर में ले लिया तो जब मैं वापस घर आया तो हाँ जी की तो मैं कहा जी हाँ जी पंजाबी ਮੇਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੜਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਦਮ ਬਾਪੇ ਜਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਤ ਨਿਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਹਿਊਜ ਡੀਲ ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਉਥ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿਸ that ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੋ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਜ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਿਟ ਪਲੇਸ ਆਨ ਪਲਾਨ ਆਹ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੇ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਗੋਇੰਗ देयर ਨੀਰੋ

थिएटर के दोस्त म्यूजिक के वो गब्बर संगरूरी सारे हाँ जर्नलिस्ट दोस्त सब वहीं आके बैठ जाएंगे और बहुत टेस्टी सी भेलपुरी वो जे जे, जे वो वहाँ की जेएनयू एन यू एस तो सर उन्होंने मुझे भेजा चलिए मैंने जनरल कैटेगरी में फॉर्म सबमिट किया मेरा अव्वल दर्जे का वो आया क्योंकि मेहनती थे म्यूज़िक रखा था सारा कुछ हो गया तो जब वो मुझे हॉस्टल हो गया तो मुझे छोड़ने आए मेरे फादर तो टी वाले गेट से जब एंटर करते हैं तो लेफ़्ट हैंड पे फर्स्ट एक नंबर हॉस्टल है दो नंबर हॉस्ट मेरा था 143 मेरा रूम नंबर था जो कि मेरी सारी काज का आज भी नंबर है ओनली बिकॉज ऑफ दैट मेरा क्योंकि हॉस्टल का जो रूम नंबर था 143 वो मुझे कहीं भी मिलता है मैं उसकी पिक्चर खींचता हूँ मेरे पास हज़ारों पिक्चर हैं तो कार के नंबर मैं वही लेता हूँ चलिए तो हॉस्टल गए पहली बार कैंटीन में परठे खाए मेरे फादर साहब आए तो जब आप निकले तो इधर पीजीआई वाला गेट है इधर मेरा डिपार्टमेंट है तो यहाँ आके हम लोग सेपरेट होते हैं तो नौ बजने वाले थे तो मैं क्लास में जाना था तो डैडी इधर जा रहे हैं मैं इधर जा रहा हूँ है ना तो मुझे जैसे नहीं होता एक दिल को धक धक सी अच्छा डैडी चल रही मैं ज़िंदगी में बाहर कभी रहा ही नहीं घर से तो मैंने पीछे मुड़ के देखा वो शाहरुख काजल वाला सीन था कि अच्छा डैडी देखेंगे है ना तो <laughs> लेकिन वो उनको ये था कि अच्छा बच्चे को अब छोड़ दिया है तो अब क्यों तो, कमजोर नहीं करना कमजोर नहीं करना तो वो चले गए वापस बस लेके तो मैं जब सारा दिन निकल गया दोपहर आई शाम आई शाम तक कोई काम ही नहीं हॉस्टल में मतलब मुझे लगा यार ये तो बड़े वेली बंदों का काम है सिर्फ पढ़ना है है न? ना न खेतों में जाना है न डरों का काम तो कुछ, नहीं। कुछ भी नहीं करना तो मुझे लगा ये तो बड़ी बड़ी अच्छी लाइफ है यार कमाल है मज़ा ही आ गया टाइप ऑफ पर यह था कि यार कि घर में अच्छा मजा के नहीं मन या नहीं पानी पिलाता होगा नहीं पट्ठे ले आंदते होंगे कि नहीं छावे करते होंगे कि नहीं जो दैट सॉर्ट ऑफ यू नो जो भी आप करते थे तो वो था धीरे धीरे वो इसलिए वो गाना बना था कि जिथे जी करता तुरजा जी का साडा तो कोई टिकाना नहीं या मुड़ना नहीं सिंगर्स आर नॉट अलाउड टू रीड पोएट्री लाइक प्रोज वो हम लोगों के पास लिबर्टी है आपको तो गा के मैं शायर हूँ आज मैं शायर हूँ गवैया नहीं हूँ <laughs> शायर जो बहुत खूबसूरत गुनगुनाता है तो थोड़ा गुनगुना के बताएं जिथे जी करद तुर साडा तो कोई टिकाणा नहीं जा मुड़ना नहीं हफ्ता हफ्ता जा कई महीने जाना नहीं कई चिर तो खाइए होस्टल दी ਕਰ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਜੇ ਕੜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਓਣਾ ਏ ਜਦ ਪਰਕੇ ਡੁੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਜਦ ਝਖੜ ਝੁੱਲੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੀਨੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਈਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਟ ਦ ਸੌਂਗ ਆਲਸੋ ਸੋ ਜਦ मतलब घर की बहुत याद आ रही थी और अब फिल्में कर रही थी इस सेट से से इस इस सेट से एंड जस्ट लाइक मतलब बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था एंड um, थोड़ा एक गाना आया मैं पता नहीं ऋषि की श, प, कुछ शूट चल रहा है सी एंड आई वाज लॉस्ट इन द सॉन्ग इट मोटिवेटेड मी इंकरेज्ड मी बट बात सी बहुत चीजें अ थेरेपिस्ट बट यू गो तो फिर मेरे गानों में ज़्यादातर सर मेरी जो परवरिश की चीज़ें हैं मोतिया चमेली बेला केत की तरेक फुल तारा मीरा सरों ते फलाई दे केसू कचनार निशनी अमल ताश तेरे दही खेत जो गाई दे पानी पंजा दरियावा वाड़ा नहरी हो गया मुंडा पिंड आई लव दैट सॉन्ग तो वो जो मेरी सेपरेशन फ्रॉम माई विलेज है आज मैं बड़े फ़खर से कहता हूँ कि सोलह अप्रैल को मैं पहली बार जिंदगी में अपने करियर के अपने गाँव में परफॉर्म करने जा रहा हूँ जिसमें मैडम भी जा रही है पहली बार बारे. अरे वाह सच लवली फीलिंग it is, it is, it is. हम दुनिया फतेह कर ले, लेकिन जब अपने गांव अपने पिंड में जाते हैं तो तो मुझे पिंड च ब्याह वर्गा चा चढ़िया हुआ जी सारे लोग भजे फिर दे अच्छा अं उन्होंने चब्बे तो लेके आवेंगे असी लाइटा लगा देंगे असी ये करा सो आई लव यू आ, सो मच और वहाँ कर रहे हैं सर जहाँ पे मैं सबसे ज़िंदगी की आपके साथ रबता हुआ इंट्रोडक्शन हुई एजुकेशन के साथ मेरा पाँचवीं कक्षा का प्राइमरी स्कूल उसमें तो मुझे अपनी मैडम का नाम आज भी याद है वो इनके मैनेजर का नाम है इसलिए वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं संतोष था मेरी प्राइमरी क्लास <laughs> अच्छा, की टीचर थी तो आ, मैं वहाँ जा रहा हूँ सारे इलाके में ये खुशखबरी भी है मैं आपको भी ताकीद करता हूँ इस स्टेज से कि अब जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं क्योंकि मेरा ये डिलेमा रहा है पंजाब में कॉन्सर्ट वैसे कम होते हैं हमारे अगर होते हैं तो वो ज़्यादातर टिकटेड इवेंट है 99 परसेंट हमारे कॉन्सर्ट्स से टिकटेड इवेंट होते हैं दिस इज़ दी ओनली कॉन्सर्ट इज नो टिकट ओपन एंट्री बस आ जाइए और जहाँ जगह मिलती है बैठ जाइए खड़े हो जाइए तो ये मैंने अपनी अपनी खुशी से किया है अपनी टीम को कहा है कि बस ये ऐसे ही होगा तो अब बड़ी बात यह क्योंकि गाँव में इतनी जगह कम होती है खेत हैं ज़्यादातर अभी आप क्या कहते हैं उसको कनक असि कणक कहने हाँ जी है ना <laughs> पानी पा... कणक याद रखता विसाखी ने देखा होंगे जी रंग कणका हरे तो सुनहरी होने वाला था लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफ कोमल जी हैं वो बहुत इनिशिएट कर रही हैं द ट्रैफिक के जो इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट के वो गांव में गए तो उन्होंने कहा कि इसनी ट्रैफिक को कैसे मैनेज करेंगे गांव के काफ़ी लोगों ने अपने खेत पहले ही काट दिए जिनको हम उनका मुआवजा ज़रूर 100 परसेंट देंगे तो खेत खाली करके उसको मतलब जो भी कुछ हो सकता है और कितना गर्व होगा उनको कि हमारे पिंड का लड़का हाँ जी हाँ? हाँ जी कितना अच्छा कर रहा है तो so, मैंने एक बार सिर्फ जिक्र किया था अपने गांव का एक गाने में औजार उस गाने का नाम है बजरावर वर्तो तू ही कुछ सिख बख्तावर तो कह गए खुद तानसेन वे के वैसा फनकार नहीं बनया इना कुछ बन गया लेकिन कुदरत तो पार नहीं बनया बंदे देखा वर्गा कोई औजार नहीं बनया इना कुछ बन गया लेकिन तख्तां बैठ बादशाह कर गए जो हो सकया लेकिन कोई विरलाई सी जो अंबरा नु छो सकिया कुतबा दे मगरों दिल्ली मुड़के मीनार नहीं बनया कुछ बन गया लेकिन कुदरत तो पार बनया बंदे दे वर्गा सो so, बजवाड़ा एक कस्बा है बजवाड़ा एक कस्बा है सर जो बैजू बाबरा जी के नाम पे बसा है yeah. हमारे गांव से वो है तकरीबन तो सात या आठ किलोमीटर तो वो कहते हैं कि उन्होंने बसाया था वो तानसेन के कंटेम्प्रेरी वोकलस्ट थे एक ही उस्ताद के चेले थे तो तानसेन उनको बहुत मानते थे मैं अपने आप को ये बड़ा फखर से कहता हूँ कि मैं उस इलाके से हूँ बजवाड़ा हमसे इतनी नज़दीक है तो मैंने कहा कि बजवाड़ा बैजू बावरे दा नेड़े बजरावर तो मेरे गाँव के बड़े नज़दीक है तू भी कुछ सीख लेंदा हो ऐसे बख्तावर तू ऐसे बड़े इंसान से तू भी कुछ सीख लेता कह गए खुद तानसेन भी कि ऐसा फ़नकार तानसेन भी कहते थे कि ऐसा फ़नकार कभी पैदा नहीं हुआ सेट पे ये गुनगुनाते थे नीरू नहीं ना नहीं, नहीं। सॉरी मैं आपके काम बढ़ा रहा हूँ अगली फिल्म के लिए <laughs> नहीं मुझे पता है कि ये इनके क्या लाइकिंग है तो no, like साइड है जो मतलब लोगों ने देखा नहीं है या, 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 जो मतलब, चलो, मैं नहीं <laughs> अरे अभी ऐसे थोड़ी अभी बोल दिया तो बोल दिया बात नहीं रोकनी चाहिए बीच में <laughs> हाँ, क्या है वो साइड हम कड़ाशी के बारे में भी बात करते हैं वो, वो, ब्रिंग ब्रिंग हम 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 वो क्या दैट सीरीज जो आप देखते हो नेटफ्लिक्स हाँ, नेटफ्लिक्स नेट कौन सी पीकी ब्लाइंडर्स एंड ऑल मतलब कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है इनका काफी नॉर्मल है मतलब मेरे लेवल देखा यही है क्योंकि इनकी परसेप्शन ये है कि आप जब जाएंगे तो सरताजी के सामने ऐसे सत श्रीकाल सरताज जी फिर <laughs> कोई बहुत ही मुश्किल से लफ्ज लेके एक सेंटेंस बना के इनसे बात करो बट या जस्ट लाइक मी तो या सो गुड टू टॉक टू यू थैंक यू बोथ ऑफ यू थैंक यू मुझे लग रहा है कि आप ऐसी बातें ही करते रहे सर मेरी बातें तो मेरी बातें तो ये तकरीबन लोगों ने लेकिन जो इन्होंने बताया वो आज दुनिया में पहली बार आया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस तो मैं अपने आपको आप को भी ये वो दे रहा हूँ शाबाशी की मैं इनको यहाँ ले के आया जो कि ये नहीं आ रही थी या इन्होंने बाद में ज्वाइन करना था तो यू सज्जनों धरती अपनी धुरी पर घूमना नहीं भूलती है जब हम ये बात कर रहे थे तब भी वो घूम रही थी वक्त अपनी रफ्तार से चलता है और ख़ूबसूरत चीज़ों का ये कमाल होता है कि खूब पकने के बाद उन्हें गिर जाना होता है खाद बनना होता है फिर कोई बीज हरा होगा फिर कोई फिल्म आएगी फिर नए सिरे से शाखों पर फूल खिलेंगे कभी सेम कभी अमलतास कभी केतकी जूही चंपा चमेली के और फिर हम कभी नीरू से और सतेंद्र से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतने ऑनेस की बात की एंड आई एम वेरी सॉरी मैं रेगुलर सवाल आप लोगों से नहीं पूछ पाया पर 19 अप्रैल को शायर आ रही है नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट का ये शाहकार है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में बड़ी खूबसूरत कहानी है गंगानगर में शूट हुई है पीरियड फिल्म है और जो गोल्डन एज थी पंजाबी पोइट्री की आई होप कि और उससे अच्छी एज भविष्य में आए आ, उसको किया गया है और लीड रोल में ये दोनों हैं ऐसे ही बोलना था क्योंकि आए तो, तो प्रोड्यूसर साहब प्रमोशन के लिए <laughs> थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच ललन टॉप पे बातें यूं ही चलती रहेंगी जिंदगी की तयशुदा रफ्तार से कुछ दाएं बाएं करते हुए आप बने रहिए हमारे साथ